हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नीट बायोलॉजी। आज यार हमारा लेक्चर है क्लास 11 चैप्टर नंबर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बड़ा चैप्टर है और इसमें अच्छे क्वेश्चंस पूछने जाने की संभावना है। एटलीस्ट 4 से 5 क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी है। तो ये बहुत ही हाईली इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसे तो हम स्किप कर ही नहीं सकते। तो इसमें कुछ एलएन की एनसीआर की है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है रिविजन्स के लिए लास्ट टाइम पे। तो चलो आप देख लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू से। हु डिस्कवर द फर्स्ट लिविंग सेल्स, पहली बार लिविंग सेल्स को किसने देखा था? ए वी लिवन हुक ने देखा था। पहली बार सेल्स की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, वो कॉक सेल में की थी जो डेड थी, लेकिन लिविंग पहली बार एंटन वॉन लिवन हुक ने की थी। हु फॉर्मुलेटेड द सेल थियोरी, देखो सेल थियोरी को दो दो लोगों ने दिया था, एक सिल्डेन ने दिया था, एक सॉन ने दिया था। सिल्डेन जो था ना वो जर्मन बॉटनिस्ट था, ठीक है, वो प्लांट के बारे में बताया था। और जबकि जो थियोडोर सॉन था वो जूलॉजिस्ट था, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट था, उसने एनिमल के बारे में बताया था, ठीक है, एनिमल सेल्स के बारे में बताया, ये प्लांट सेल के बारे में बताया था। तो इन दोनों के थियोरी को सेल थियोरी कहते हैं। हु गेव द सेल थियोरी फाइनल सेफ, फाइनल इन दोनों की थियोरी के बाद जो बाद में जिसने सेल थियोरी के बारे में बताया वो रुडोल्फ विर्चो थे। उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने फाइनल सेफ दिया था उन्होंने ये कहा था ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है, ओमनी सेलुलाई सेलुलाई स्टेटमेंट गिवन बाय रुडोल्फ विर्चो। इसका मतलब होता है सेल्स इज अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मेन एरिया ऑफ वेरियस सेलुलर एक्टिविटी ऑफ सेल इज साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म में सब कुछ होता है और लिविंग मटेरियल्स। विच नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल आर फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, देखो नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल एक राइबोसोम्स होते हैं जो दोनों में पाए जाते हैं और दोनों में नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं, और सेंट्रियोल होता है वो भी नॉन मेम्ब्रेनस होता है एंड न्यूक्लियोलस होता है। नेक्स्ट है हु फर्स्ट एक्सप्लेन द सेल डिवाइड एंड न्यू सेल्स आर फाउंड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, रुडोल्फ विर्चो ने ही दिया था। विच नॉन मेम्ब्रेनस सेल्स ऑर्गेनेल इज फाउंड इन एनिमल सेल्स एंड हेल्प इन सेल डिवीजन, देखो सेंट्रियोल होता है ये भी नॉन मेम्ब्रेनस होता है और ये सिर्फ एनिमल में पाए जाते हैं, ठीक है, जो हेल्प करता है सेल डिवीजन में। विच इज रिस्पॉन्सिबल हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म इन यूकैरियोटिक सेल्स, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, हाँ वही कंपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं यूकैरियोटिक में, जबकि प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन्स बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स अब्सेंट होते हैं, इसलिए उसमें कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं होते, सब एक ही सेल में सब कुछ होता है। नेक्स्ट हमारा सम ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल्स एंड आर कॉल्ड यूनिसेलुलर, और जब मेनी सेल्स होते हैं तो उसको क्या होते हैं मल्टी सेल्यूलर्स। ब्रिटिश जूलॉजिस्ट होते, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट कौन था, थियोडोर सॉन था जो एनिमल पे वर्क किया था। एनिमल सेल्स आर रिपोर्ट सेल्स हैड थिन आउटर लेयर विच इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल्स के जो एनिमल सेल्स है उसके आउटर लेयर को किसने क्या कहा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जबकि सिल्डेन ने क्या किया कहा था जो प्लांट का आउटर कवरिंग है उसको क्या कहते हैं सेल वॉल कहते हैं। सेल दैट हैज अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस इज कॉल्ड यूकैरियोटिक, जो जिसके पास लाइक न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड जिस नहीं होता, जिसके न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन अब्सेंट होता है उसे क्या कहते हैं प्रोकैरियोट कहते हैं। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज ऑस्ट्रिच,
और सबसे छोटा क्या होता है, माइकोप्लाज्मा, जो 0.3 माइक्रोमीटर का होता है। एनीथिंग इज लेस देन द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर द इंडिपेंडेंट ऑफ लिविंग। अगर कोई चीज, अगर से सेल हमारा सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, अगर उससे छोटा कुछ है तो वो लिविंग हो ही नहीं सकता। नॉट इंश्योर द इंडिपेंडेंट लिविंग, ट्रू। ठीक है, सेल सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, उससे छोटा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ट्रू। ये सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट परफॉर्म करता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। वेरियस केमिकल रिएक्शन हमारे साइटोप्लाज्म में कीप द लिविंग हिस्ट्री। जो केमिकल रिएक्शन हमारे साइटोप्लाज्म में होता है वो लिविंग्स ही होते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव सेल वॉल्स सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन। और जितने सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल नहीं होते, सिर्फ प्लांट में ही सेल वॉल होते हैं, इसलिए फॉल्स है। ऑल यूकेरियोट्स सेल हैव सिमिलर शेप। कैसे सिमिलर, सबके सिमिलर शेप नहीं हो सकते, हमने टिश्यू ही अलग अलग पढ़ा नहीं क्या, तो सेल कैसे हो सकते हैं एक टाइप के। से शेप ऑफ द सेल्स में वराई विथ फंक्शन दे परफॉर्म, या इज ट्रू। सेल्स अलग अलग हो सकते हैं स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली। मिडल लेमेला इज मेनली कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। इन प्लांट अदर देन द अलगे सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ, प्लांट है ना, अदर देन द अलगे, अलगे के अलावा जितने भी प्लांट्स हैं उसमें क्या क्या होते हैं, सेल्यूलोज होते हैं, हेमी सेल्यूलोज, पैक्टिन एंड प्रोटीन्स होते हैं। तो अलगे में क्या क्या होते हैं, अलगे में सेल्यूलोज, गैलेक्टिक, मैनन्स एंड कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं। ठीक है, सेल्यूलोज तो सब में है, लेकिन इसमें गैलेक्टिन, मैनन्स एंड कैल्शियम कार्बोनेट भी प्रेजेंट होते हैं। इन सेल वॉल एंड मिडल लमेला में भी ट्रावर्स बाई विच कनेक्टेड बाई साइटोप्लाज्मा नेबरिंग सेल्स। प्लाज्मोडेस्माटा जो होता है ना, वो क्या करता है, सेल वॉल हो, जैसे सेल वॉल हुआ, और ये इधर इनके बीच में मिडल लमेला हुआ, तो उससे जो जाने वाला जो होता है ना, उसको क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा, जो कनेक्ट करता है सेल वॉल और मिडल लमेला को। ठीक है, बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ, तो ये जो है यही क्या कहते हैं, मिडल लमेला है, प्लाज्मोडेस्माटा है। सेल वॉल ऑफ द यंग प्लांट सेल्स द ए इज, देखो प्राइमरी वॉल जो होता है वो ग्रोथ करता है, प्राइमरी सेल वॉल, जब जबकि सेकेंडरी सेल वॉल ना, जब प्राइमरी डिमिनिश हो जाता है और सेल मैच्योर हो जाते हैं तो सेकेंडरी सेल वॉल बनता है इनर साइड ऑफ दी सेल्स। सेल नॉट ओनली गिव द शेप ऑफ द सेल बट इट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल इन डैमेज एंड इन्फेक्शन, यस ट्रू। सेल वॉल सिर्फ इसके शेप ही नहीं देता है, वो प्रोटेक्शन भी करता है, ट्रू। सेल मैच्योर द सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म ऑन इनर साइड ऑफ द सेल्स, ट्रू। मिडल लैमेला जो होता है होल्ड द ग्लू और डिफरेंट नेबरिंग एनिमल सेल्स टूगेदर। मिडल लेमेला क्या डिफरेंट एनिमल सेल्स नहीं है बाबा, ये प्लांट सेल्स में पाया जाता है, तो इट्स रॉन्ग। सेल वॉल इज द लिविंग क्वासी फ्लूइड स्ट्रक्चर फॉर्म आउटर कवरिंग फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंजाई एंड प्लांट। सेल वॉल एक लिविंग, ये किसका बना होता है, क्वासी फ्लूइड स्ट्रक्चर, रॉन्ग है, इट्स रॉन्ग। सेल वॉल क्वासी फ्लूइड नेचर का कहाँ पाया जाता है, ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल। जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं सेल्स अलग अलग टाइप के होते हैं, और स्ट्रक्चर और फंक्शन पे डिपेंड करता है उसका शेप, ट्रू।
फाइंड मोजाइक मॉडल। मोजाइक मॉडल को सिंगर ने और निकोलसन ने दिया था। सोडियम पोटेशियम पंप, जहां आयंस आ गए तहां पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट आ जाता है। एबिलिटी ऑफ प्रोटीन टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड बाई इट्स, जब प्रोटीन का मूवमेंट होता है मेम्ब्रेन में, इसको किससे मेजर करते हैं? फ्लूइडिटी मेजर करता है ये, ठीक है। इससे हमें, इससे क्या फायदे होते हैं? इससे सेल का ग्रोथ होता है, एंडोसाइटोसिस होती है, ठीक है। मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय डिफ्यूजन, इसे ऑस्मोसिस कहते हैं, पैसिव मूवमेंट है, ठीक है। इसमें एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है। डिटेल स्ट्रक्चर स्टडी ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज पॉसिबल आफ्टर द ईयर, देखो सेल मेम्ब्रेन का डिटेल स्ट्रक्चर हमें कब पता चला? जब हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स का इवेंट हुआ, तो 1950 के बाद ही हुआ है। सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड दैट अरेंज इन, जो लिपिड से वो बाइलेयर्ड में अरेंज्ड है, पोलर एंड बाइपोलर, ठीक है। इन इमे देखो एक ऐसे, ठीक है, एनसीईआरटी में डायग्राम है, बाइलेयर में अरेंज्ड है लिपिड सेल मेम्ब्रेन के। इन मेम्ब्रेन ऑफ द आरबीसी परसेंटेज ऑफ लिपिड इज अप्रॉक्सीमेटली 40% लिपिड है, और जबकि 52% प्रोटीन्स होते हैं। लिपिड ऑफ कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ, जो लिपिड का कंपोनेंट है वो क्या है? मेनली फॉस्फोग्लिसराइड्स है, वो हमारी एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है, अच्छे से उसको पढ़ो। देखो सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्रोटीन क्लासिफाइड एज ए इंटीग्रल एंड पेरिफेरल प्रोटीन। प्रोटीन को देखो दो दो में, एक इंटीग्रल एक पेरिफेरल में डिवाइड क्लासिफाई किया गया है। किस पे? जो अंडर ब्यूरिड होगा तो इंटीग्रल, और जब उसके सरफेस एरिया आउटर साइड होगा तो उसको पेरिफेरल कहते हैं। अकॉर्डिंग टू मोजाइक मॉडल, क्वासी फ्लूइड नेचर, क्वासी फ्लूइड नेचर किसका होता है? लिपिड का, जो लेटरल मूवमेंट करता है प्रोटीन का विद इन दी बाइलेयर, क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड्स। ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, से कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। जैसे इसका एग्जाम्पल है ऑस्मोसी, इम्बाइबिशन, सिंपल डिफ्यूजन, देखो सब लिखा है। न्यूट्रल सॉल्यूट कैन मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ, न्यूट्रल है तो कैसे भी मूव कर सकता है डिफ्यूजन के द्वारा, ऑस्मोसिस के थ्रू, ठीक है। एज अ पोलार कैन नॉट पास थ्रू नॉन पोलार लिपिड बाय लेयर, दे रिक्वायर कैरियर प्रोटीन चाहिए रहता है। कोई भी पोलार नॉन पोलार से नहीं जा सकता, उसके लिए उनके पास एक कैरियर प्रोटीन होता है, ये फैसिलिटेट डिफ्यूजन दिखाता है। फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन हेल्प इन फंक्शन लाइक, फ्लूइड नेचर क्या क्या करता है? सेल का ग्रोथ करता है, डिविजन करता है, डीएनए रेप्लिकेशन, सेक्रीशंस, ये सब फायदे हैं फ्लूइड नेचर ऑफ। डीएनए का रेप्लिकेशन तो नहीं कराता, सेक्रीशन थ्रू है, राइबोसोम्स की सिंथेसिस भी नहीं कराता। देखो फ्लूइड नेचर जो हमारे मेम्ब्रेन का बहुत है, बेनिफिट है किसके किसके लिए? सेल के ग्रोथ के लिए, सेल के डिवीजन के लिए, सेक्रीशंस के लिए। रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड इन से ऑल सेल्स मेम्ब्रेन सेम होता है, रॉन्ग। प्रोटीन और लिपिड का जो परसेंटेज है वो वेराई करता है। जैसे देखो हमने आरबीसी में हमारे देख बताया, एरिथ्रोसाइट्स के आरबीसी में 40% उस लिपिड्स होते हैं और 52% प्रोटीन होता है, और उसके अपोजिट हमारे नर्व्स में होते हैं, उसमें ज़्यादा लिपिड्स होते हैं और प्रोटीन्स कम होते हैं। इंटीग्रल प्रोटीन आर पेरिफेरली और टोटली ब्यूरिड इन द, जब कोई प्रोटीन इंटीग्रल प्रोटीन अगर ब्यूरिड है मेम्ब्रेन को इस थ्रू, और जो पेरिफेरल प्रोटीन है वो ब्यूरिड नहीं, वो आउटर सरफेस पे होता है। लिपिड आर अरेंज इन मेम्ब्रेन विथ पोलार हेड टूअर्ड द, पोलार हेड आउटसाइड है तभी वो प्रोटेक्शन करता है नॉन पोलार टेल को। नेटवर्क ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है उसे क्या कहते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर राइबोसोम्स लिया है तो उसको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, अगर उसमें राइबोसोम्स अब्सेंट है तो उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एग्जांपल क्या है? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ना प्रोटीन होती, मतलब प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, ठीक है, और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड सिंथेसिस होता है और कुछ एनिमल्स के स्टेरॉइड हॉर्मोन्स होते हैं। और फिर 1898 में डेंसली स्टेंड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस इन द नर्व सेल्स ऑफ ऑल फर्स्ट ऑब्जर्व बाई कैमिलो गोल्गी ने ही पहली बार गोल्जी अपैरेटस को डिस्कवर किया था, जो कैसा था, रेटिकुलर होता है और कहाँ किससे अटैच होता है, नियर द न्यूक्लियस। विच सेल ऑर्गेनेल इज द मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स? लिपिड की सिंथेसिस कहाँ पे होती है? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है। विच सेल ऑर्गेनेल इज इंपॉर्टेंट साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स? हमें एक बात पता है, प्रोटीन और लिपिड्स कहाँ पे सिंथेसिस होते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, लेकिन ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड कहाँ पे सिंथेसाइज होता है, गोल्गी अपैरेटस पे, ठीक है, सिस या फॉर्मिंग फेस में उसकी पैकेजिंग होती है, अब मैच्योरिंग फेज से उसका ट्रांसफर होता है। इन एनिमल सेल्स लिपिड लाइक स्टेरॉइड हार्मोन आर सिंथेसाइज बाई विच ऑर्गेनेल्स? जो एनिमल जो लिपिड होता है एनिमल सेल्स में, उस किसके द्वारा होता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। डायमीटर ऑफ सिस्टर्न ऑफ गॉल्गी अपैरेटस 0.52 1 माइक्रोमीटर्स के इसके डायमीटर्स होते हैं, ठीक है। विच सेलुलर स्ट्रक्चर इंक्लूड इन इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम? देखो, जो ऐसे मेम्ब्रेन जो कोऑर्डिनेटेड है, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड है और कोऑर्डिनेटेड है, तो वो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल, सिर्फ चार सौ चार ही है। ठीक है, नेक्स्ट। मटेरियल इज टू बी पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसाइकल फॉर्म फ्रॉम द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्यूज विथ, देखो जो मटेरियल वो पैक्ड होता है, हमने हमें अच्छी तरह से पता है पैकेजिंग कहाँ होती है, गोल्जी अपैरेटस में होती है, तो सिस फॉर्म में क्या होता है, वो फ्यूज होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, और गोल्जी अपैरेटस से अब मूव करता है टुअर्ड द मैच्योरिंग या ट्रांस फेज के साइड। इन द सेंस ऑफ राइबोसोम्स इंडोप्लाज्मिक अपीयर स्मूथ एंड कर्ल्ड? अगर राइबोसोम्स अब्सेंट हैं तो उसको स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स कहते हैं। ये वाला अच्छे से समझो पॉइंट, जो हमारी पैकेजिंग होती है वो कहाँ होती है, गोल्जी अपैरेटस में होती है, ठीक है, वो तो पैकेजिंग किस फॉर्म में होती है, वेसाइकल्स, छोटे छोटे ऐसे, ठीक है, छोटे छोटे वेसाइकल्स के फॉर्म में होती है, ठीक है, वो किससे फ्यूज होता है, सिस फॉर्म से। देखो सिस गोल्जी अपैरेटस में देखो ऐसे 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 है ना, तो एक सिस फॉर्म है एक ट्रांस फॉर्म है, सिस फॉर्म से वो फ्यूज होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे वेसाइकल्स बनते हैं और वहां से वो कहाँ मूव करता है, मैच्योरिंग फेज में। नेक्स्ट, गोल्जी अपैरेटस रिमेन क्लोज एसोसिएटेड विथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? जो गोल्जी अपैरेटस है किससे एसोसिएटेड है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, हाँ ये ट्रू है पैकेजिंग के लिए। रफ इंडोप्लाज्मिक इज कंटिन्यूअस विथ है, मत करना, ई आर डिवाइडेड द इंटरसेल्युलर स्पेस इनटू द ल्यूमिनल एक्स्ट्रा ल्यूमिनल पार्ट। जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो जो साइटोप्लाज्म को दो दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक इंटर ल्यूमिनल एक एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। जो ल्यूमिनल होता है ना वो इनसाइड द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, देखो जैसे साइटोप्लाज्म है, ठीक है, तो ये जैसे जैसे ये मान लो ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इसके अंदर को जो क्या कहेंगे इसको ल्यूमिनल, और इसके आउटसाइड जो रहेगा उसको एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट,
ईआर डिवाइडेड द इंटरस्टेलर, हाँ हो गया है। राइट नंबर ऑफ सिस्टर ने आर प्रेजेंट इन गोल्जी अपैरेटस, हाँ हमारी एनसीईआरटी में लिखा है सिस्टर ने अलग अलग नंबर में प्रेजेंट हो सकते हैं, इस ट्रू। कहाँ गया है? ट्रू। सीस एंड ट्रांस फेस ऑफ गोल्जी अपैरेटस कंप्लीटली सेम्स, फॉल्स होते हैं। सीस जो होता है यहाँ पे कोई भी चीज़ फॉर्म होती है, और ट्रांस में इसका ट्रांसफर होता है, मैच्योर होता है, यहाँ पे बनता है, यहाँ पे मैच्योर होता है। गोल्जी अपैरेटस इज प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग ऑफ मटेरियल टू डिलीवर आइदर टू द इंटरसेलुलर टारगेट और आउटसाइड दी सिस। जो गोल्जी अपैरेटस है वो पैकेजिंग करता है, तो वो सिंथेसिस करता है, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स, इन लोग की सिंथेसिस करता है। तो वो या तो इनसाइड डिलीवर करेगा चाहे आउटसाइड करेगा सेल के, इज ट्रू। क्लोरोप्लास्ट, चलो, क्लोरोप्लास्ट इज द पार्ट ऑफ इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बिकॉज इट्स फंक्शन इज सेम एज द माइटोकॉन्ड्रिया। इट्स रॉन्ग, क्लोरोप्लास्ट पहली बार इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट होता ही नहीं है, ठीक है। इट्स रॉन्ग। इंडो मेम्ब्रेन का पार्ट कौन कौन हमने देखा था? देखा था इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल, सिर्फ चार ही थे। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी, लाइसोसोम, वैक्यूल इंक्लूडेड इन इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बिकॉज देयर फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड, इनके फंक्शन कोऑर्डिनेटेड हैं, इसके लिए ये इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है। नेक्स्ट हमारा लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। विच सेल्स ऑर्गेनाइज इज फाउंड इन गोल्जी अपैरेटस बाय द प्रोसेस ऑफ, विच सेल्स ऑर्गेनाइज इज फाउंड इन गोल्जी अपैरेटस बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग। देखो जब गोल्जी अपैरेटस की पैकेजिंग होती है तो उस प्रोसेस में क्या बनता है, लाइसोसोम्स भी बनते हैं, लाइसोसोम्स ही बनते हैं, ठीक है। लाइसोसोम्स कब बनते हैं? जब पैकेजिंग करता है गोल्जी अपैरेटस। विच सेल्स स्ट्रक्चर स्टोर करता है वाटर को, सैप को, सेक्रेटरी प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल जो नॉट यूजफुल टू द सेल्स। वैक्यूल्स हैं, इसमें सारी चीज़ें मतलब स्टोर कर सकते हैं, जैसे वाटर हुआ, सैप हुआ, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स हुए, मिनरल्स हुए, और भी बहुत सारी चीज़ें हुए, ठीक है। विच मेम्ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग ऑफ हाइयर कंसेंट्रेशन आयन इन द वैक्यूल कंपेयर टू साइटोप्लाज्म। देखो एक बात, वैक्यूल जो होता है उसमें हाई कंसेंट्रेशन होता है, फिर हाई कंसेंट्रेशन होने के बावजूद भी हम मटेरियल को अगेंस्ट कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट द्वारा वैक्यूल में डालते हैं, ठीक है। ये काम कौन करता है? टोनोप्लास्ट करता है, जो वैक्यूल का आउटर कवरिंग, आउटर मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन होता है आउटर मेम्ब्रेन। विच स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रीशन ऑफ अमीबा। देखो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स जो होते हैं वो एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन का यूज करते हैं, और जो वैक्यूल्स होते हैं जैसे गैस वैक्यूल्स हैं वो सिर्फ प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं, बाकी जितने भी वैक्यूल्स हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं? यूकेरियोट्स में पाए जाते हैं, ध्यान में रखो। लाइसोसोम वेसाइकल्स हैव बीन फाउंड टू बी वेरी रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। लाइसोसोम इनमें जो वेसिकल्स होते हैं उसमें ऑलमोस्ट सभी एंजाइम्स पाए जाते हैं, ऑलमोस्ट 40 एंजाइम्स पाए जाते हैं, और उससे भी ऊपर पाए जाते होंगे। जैसे उसमें कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? हाइड्रोलेजेस, लाइपेजेस, प्रोटीएजेस, कार्बोहाइड्रेजेस, ठीक है। ये किस पे वर्क करता है? एसिडिक पीएच पे वर्क करता है, ठीक है। तो ये रीच होता है एंजाइम, ठीक है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट इन लाइसोसोम वो एक्टिव होता है, जो एंजाइम प्रेजेंट होता है वो लाइसोसोम्स में वो तभी एक्टिव होता है एसिडिक पीएच पे, नॉट बेसिक स्ट्रॉन्ग। हाइड्रोलिटिक एंजाइम इज कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। हाँ ट्रू, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट एंजाइम भी पाए जा रहे हैं, प्रोटीनेज, लाइपेजेस, न्यूक्लियेजेस सब पाए जा रहे हैं, तो इन लोग का डाइजेशन भी कर सकते हैं। इन
प्लांट सेल्स वैक्यूल कैन ऑक्यूपाई द 90% ऑफ वॉल्यूम ऑफ सेल्स, या हमें पता है कि जो एनिमल्स होते हैं उसमें वैक्यूल्स बहुत इनविजिबल होते हैं, बहुत छोटा होते हैं, स्मॉल होते हैं, लेकिन प्लांट में बहुत ज़्यादा, देख रहे हो कितना, 90% होते हैं वॉल्यूम में। इज ट्रू इन मेनी सेल्स एज इन प्रोटिस्ट फूड वैक्यूल्स आर फाउंड बाई इनगल्फिंग ऑफ फूड पार्टिकल्स। प्रोटिस्टा में फूड वैक्यूल्स जो होते हैं फॉर्म्ड होते हैं इंगल्फिंग द फूड पार्टिकल्स, राइट। नेक्स्ट हमारा है इनर द कंपोनेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड मैट्रिक्स। देखो माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, एक इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। जो इनर मेम्ब्रेन है वो दो दो जो उसका ल्यूमेन है उसको दो पार्ट में, दो कंपार्टमेंट में डिवाइड करता है, जैसे एक आउटर कंपार्टमेंट और एक इनर कंपार्टमेंट। जो इनर कंपार्टमेंट होता है उसे क्या कहते हैं, इनर कंपार्टमेंट को मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। और वहाँ पे क्या बात पाई जाती है, नंबर ऑफ इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर होती हैं, जिसे क्या कहते हैं, क्रेस्टी कहते हैं। विच ऑर्गेनेल परफॉर्म द एरोबिक रेस्पायरेशन इन सेल्स। माइटोकंड्रिया में एरोबिक रेस्पायरेशंस होते हैं, यहाँ पे ईटीएस चलते हैं, ठीक है। सब जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं वो माइटोकंड्रियल पे प्रेजेंट होते हैं, माइटोकंड्रियल मैट्रिक्स पे, ठीक है। सिर्फ सक्सिनेट डिहाइड्रोनेज जो होता है वही इनर माइटोकंड्रियल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। विच टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट स्टोर ऑयल्स एंड फैट्स। ऑयल और फैट जो होता है वो उसको इलियोप्लास्ट स्टोर करता है, ठीक है। और अमाइलोप्लास्ट क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है, जैसे स्टार्च। एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन को। विच मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज मोर परमिएबल। आउटर मेम्ब्रेन मोर परमिएबल होता है। अरेंजमेंट ऑफ थाइलाकॉइड इज लाइक पाइल्स ऑफ कॉइंस, ग्राना। देखो ये सब जब बहुत सारे थाइलाकॉइड्स हो जाएंगे तो सिर्फ ग्रुप क्या कहेंगे, कॉइन्स कहेंगे, ग्राना कहेंगे। विच टाइप ऑफ राइबोसोम्स फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में जो राइबोसोम्स होते हैं 70S होते हैं और एक सर्कुलर, और उसमें सर्कुलर डीएनए पड़ जाता है एक, ठीक है। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन दी एक्टिविटी ऑफ सेल्स। फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, क्योंकि ज़्यादा अगर माइटोकॉन्ड्रिया है तो वो ज़्यादा एनर्जी उसको मिलेगी, ठीक है, तो ज़्यादा फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होगी। माइटोकॉन्ड्रिया इज टिपिकली सॉसेज शेप्ड या सिलेंड्रिकल शेप्ड के, देखो ऐसे होता है, यही सॉसेज शेप्ड है। माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन इज डिवाइडेड इट्स ल्यूमेन को दो पार्ट कंपार्टमेंट, एक आउटर एक इनर कंपार्टमेंट। इनर कंपार्टमेंट को क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। और आउटर जो बनाता है लिमिटिंग बाउंड्री बनाता है, इसको एक्वेस कहते हैं या मैट्रिक्स। कलर गिविंग पिगमेंट प्रेजेंट इन जो प्लास्टिड होते हैं उसमें, देखो एक क्लोरोप्लास्ट होता है, एक क्रोमोप्लास्ट होता है, ल्यूकोप्लास्ट होता है। तो जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो कलर देता है। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, ये फोटोसिंथेसिस कराता है, इसमें ग्रीन, ये ग्रीन कलर का होता है। 70S इसमें राइबोसोम्स होते हैं, ए भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है एकदम माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। फोल्डिंग ऑफ इन माइटोकॉन्ड्रिया इनर मेम्ब्रेन कॉल्ड, जो फोल्डिंग होती है इनर माइटोकॉन्ड्रिया इसको क्रिस्टे कहते हैं, और जो कंपार्टमेंट होता है उस इनर मेम्ब्रेन का कंपार्टमेंट जो होता है उससे क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करता है फ्यूजन के द्वारा। माइटोकॉन्ड्रिया का जो डायमीटर है वो 0.2 to 1 माइक्रोमीटर होता है, और जो उसकी लेंथ होती है 1 to 4.1 माइक्रोमीटर। ये एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। इन क्लोरोक्लोप्लास्ट फैट सेल्यूबल पिगमेंट प्रेजेंट इन, देखो फैट सेल्यूबल इसमें के कौन कौन से होते हैं, एक कैरोटीनॉइड्स होते हैं और एक जैंथोफिल होते हैं। जो एंथोसाइनिन होते हैं वो वाटर सेल्यूबल होते हैं, तो कैरोटीनॉइड एंड जैंथोफिल फैट सेल्यूबल होते हैं।
माइटोकॉन्ड्रिया स्टोर करता है फूड वेस्ट मटेरियल एंड मिनरल्स? फॉल्स, स्टोर थोड़ी करता है, ये तो एनर्जी प्रोवाइड करता है। माइटोकॉन्ड्रिया डज नॉट प्रोड्यूस एटीपी, रॉन्ग, ये तो पावर हाउस ऑफ एनर्जी है। माइटोकॉन्ड्रिया इज सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, रॉन्ग, है डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रोमल लैमेले कनेक्ट द थैलाकॉइड ऑफ डिफरेंट ग्राना, देखो स्ट्रोमल, देखो डिफरेंट डिफरेंट ग्राना हुए, एक ग्राना इधर हुआ, एक ग्राना इधर हुआ, तो स्ट्रोमल लैमेले द्वारा ही ये कनेक्टेड होते हैं। ट्रू। स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्टोमा। ट्रू। माइटोकंडिया साइट होता है एरोबिक रेस्पिरेशन एंड, नहीं सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ये रॉन्ग है, एनारोबिक, फॉल्स। प्लास्टिड किसमें? प्लांट्स में पाए जाते हैं। ट्रू। कैरोटीन एंड क्लोरोफिल आर फैट, कैरोटीन एंड जेंथोफिल एक फैट सेल्युबल होते हैं, ठीक है। एल्यूरोप्लास्ट स्टोर करता है प्रोटीन को, एल्यूरोप्लास्ट स्टोर को प्रोटीन कहता है, तो सही है ना। इल्योप्लास्ट ऑयलर फैट को स्टोरेज करता है, और अमाइलोप्लास्ट स्टार्च। क्लैमिडियोनास कंटेन 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट इन अ सेल, रॉन्ग है, ठीक है। ठीक है, क्लैमिडियोनास में सिर्फ एक एक ही क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, रॉन्ग है। 20 to 40 मीजोफिल सेल्स में पाए जाते हैं। राइबोसोम्स आर द ग्रेनुलर फर्स्ट ऑब्जर्व अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डेंस पार्टिकल। वाई, राइबोसोम्स एक ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है, उसको पहली बार किसको डिस्कवर, जॉर्ज पैलेडे ने किया था 1953 में, ठीक है। विच टाइप ऑफ राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट में? 70S और यूकैरियोट में 80S, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, तो कई पढ़ रहे हैं हम। व्हाट इज द साइज ऑफ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स? जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स होती हैं उसकी जो साइज होती है 50 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर, एनसीईआरटी की सारी लाइंस है, ठीक है। जब बहुत सारे राइबोसोम अटैच करते हैं सिंगल एमआरएनए को, जब बहुत सारे राइबोसोम्स अगर आरएनए से अटैच होते हैं तो क्या बनाते हैं? पोलीसोम्स या पोली राइबोसोम्स। व्हाट आर द टू यूनिट ऑफ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स? 50 और 30, ठीक है। और जो यूकैरियोट्स का है 60 और 40। राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ विच कंपोनेंट? आरएनए और प्रोटीन्स होते हैं, आरएनए एंड प्रोटीन्स। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी एंड साइज। ट्रू। डेंसिटी और साइज का बताता है, यस, जो लिखा रहता है। माइक्रो बॉडी आर द मेम्ब्रेन बाउंड, माइक्रो बॉडी जो होती है वो मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइकल दैट कंटेन वेरियस एंजाइम प्रेजेंट बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। हाँ, ये मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं और प्लांट और एनिमल दोनों में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारा है नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस। नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म कॉल्ड, जब प्रोटीनेसेस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है तो उसे क्या कहते हैं साइटोप्लाज्म में? साइटोस्केलेटन। विच सेल ऑर्गेनेल सराउंडेड बाय अमॉर्फस पेरिसेंट्रियल मटेरियल? सेंट्रियल जो होता है ना, देखो जो सेंट्रियल होता है वो अमॉर्फस सब्सटेंस से सराउंडेड होता है। सीलिया एंड फ्लैजेला इमर्ज फ्रॉम सेंट्रियल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड, बेसल बॉडी से ही सीलिया एंड फ्लैजेला इमर्ज होती है। विच स्मॉल स्ट्रक्चर ऑफ सेल वर्क लाइक और सीलिया, सीलिया जो छोटे छोटे होते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, वो कैसे मूव करते हैं और की तरह। मेनी रेडियल स्पोक्स प्रेजेंट होता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया, जो रेडियल स्पोक्स होते हैं किसी भी सीलिया में वो 9 होते हैं, ठीक है।
नाइन नाइन उनमें रेडियल स्पोक्स होते हैं, एक सेंट्रल टिबूल्स होता है, और इस पे 9+2 अरेंजमेंट होता है, ठीक है। सीलिया और फ्लैजेला में 9+2 का अरेंजमेंट होता है। नेक्स्ट, इन एक्सोनिम ऑफ सीलिया हाउ मेनी रेडियली अरेंज पेरीफेरल डबलेट। अब इसमें जो पेरीफेरल डबलेट होते हैं 9 होते हैं, सेंट्रल जो डबलेट होते सेंट्रल सिंगलेट जो होता है वो 2 होता है। विद सेलुलर स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन लाइक कार्टव्हील, सेंट्रियोल होते हैं जिसका ऑर्गेनाइजेशन कार्टव्हील की तरह होता है, ठीक है। फिर वो अमॉर्फस सब्सटेंस से सराउंडेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर तुम्हें मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको ज़रा भी मेरे वीडियो से हेल्प हो रही है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो यार, इतना तो कर सकते हो।